हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 11th इकोनॉमिक्स। चैप्टर नेम इज़ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी बेटा ये मेरी थर्ड वीडियो है। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इन द प्रीवियस वीडियोज़ वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट वॉट इज़ मार्केट। वट यू मीन बाई मार्केट इन इकोनॉमिक्स, देन कम्स वॉट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट्स। उसमें हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन पूरी डिटेल में डिस्कस किया है, और आज हम आगे चलेंगे। वी विल डिस्कस सेकेंड टाइप ऑफ मार्केट, दैट इज मोनोपोली। नाउ वी विल डिस्कस मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली बेटा वो होती है जहाँ पे हमारा एक सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। बायर्स के ऊपर कोई रोक नहीं है। बायर्स हमारे ज़्यादा होते हैं और सेलर हमारा एक होता है, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं है कि बहुत सारे सेलर्स, जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, वो चीज़ इसमें नहीं आती है। इसमें वो चीज़ आती है कि देयर इज़ ओनली वन बायर, सॉरी वन सेलर एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, के सेलर सिर्फ एक है और बायर हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है। वो तब मोनोपोली हमारी क्रिएट होती है। नेक्स्ट कम्स, देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ एंट्री फर्म्स। क्योंकि मोनोपोली में बेटा मैंने आपको पहली बात बताई है कि देयर इज वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जब एक सेलर होगा और ज्यादा बायर्स होंगे तो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन तो होगी होगी एंट्री में, क्योंकि अगर फर्म्स ज्यादा एंटर हो जाएंगी और ज्यादा फर्म्स एंटर आएंगी या इंडस्ट्री में आएंगी तो उस केस में आपकी मोनोपोली नहीं रहेगी। देन देयर विल सेलर्स विल बी मोर, देयर विल नॉट बी वन सेलर ओनली। एक सेलर नहीं होगा, ज्यादा सेलर्स होंगे और ज्यादा बायर्स होंगे। मोनोपोली का ये एक, आपके जैसे मोनोपोली कोई नाम लेता है आपके दिमाग में हमेशा ये बात स्ट्राइक होनी चाहिए कि सिंगल सेलर होगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, रिस्ट्रिक्शन होगी नई फर्म्स की एंट्री के लिए, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ऑब्वियसली जब सिंगल सेलर है, अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट आपके अवेलेबल होंगे तो मोनोपोली का फायदा क्या? उस केस में मोनोपोली होती है जहां पे से क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है आपके। एंड वेन देयर इज सिंगल सेलर, देयर इज फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। जब आपके हाथ में ही आपसे एक ही सेलर है, वो महंगी चीज भी बेच सकता है, वो सस्ती भी चीज भी बेच सकता है, पर एक चीज ध्यान रखनी है, उसका प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल है। अगर वो अननेसेसरी ज्यादा प्राइस लगाएगा, तो उसकी सेल कम होगी। डिमांड चीज की कम होगी जब प्राइस ज्यादा होगा। अगर वो प्रॉफिट जनरेट के लिए लग जाएगा तो उसकी सेल आपकी कम होगी। देन कम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली है, ही इज अ सिंगल सेलर, सो ही कैन डिस्क्रिमिनेट द प्राइजेस। मतलब किसी से वो कुछ प्राइस ले सकता है, किसी से कुछ प्राइस ले सकता है, आप उसमें कोई नहीं बोलने वाले, क्योंकि एक प्राइस नहीं, ही इज अ प्राइस मेकर एंड ही इज नॉट द टेकर। जब उसने परफेक्ट कंपटीशन में, आपने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में, द सेलर इज अ प्राइस टेकर, बट इन मोनोपोली द सेलर इज अ प्राइस मेकर बिकॉज ही इज अ सिंगल सेलर। उसकी मर्जी किससे, जैसा मर्जी जो मर्जी रेट चार्ज करे, ठीक है। अगर आप जितने मैंने आपको फीचर्स इसके मोनोपोली के बताए, अगर आप उसको ध्यान से देखो, सारे एक दूसरे को रिलेट करते हैं। आपको उसमें क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सिंगल सेलर होगा तो बाकी, इसका मतलब यही है, अंडरस्टूड है कि एंट्रीज बाकी फर्म्स की बैन होगी, ठीक है। और जब वो सिंगल सेलर है तो उसे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे नहीं, नहीं तो बंदा किसी और पे चीज़ पे जाएगा। उसकी मर्जी है, पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर प्राइस का, कि वो प्राइस को जो मर्जी रख ले, वो किसी से कम ले किसी से ज़्यादा ले, उसकी इच्छा। ही इज़ अ प्राइस मेकर। ये सारे के सारे आपस में रिलेट करते हैं इफ़ यू क्लोजली लुक इन टू दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको इसको क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करके देखो। जैसे देखो इसके एक एग्जाम्पल्स ही हैं, आपको रेलवेज है, यूटिलिटी सर्विसेज है। रेलवेज देखो, अब इंडियन रेलवेज जो है गवर्नमेंट के हाथ में है, मोनोपोली गवर्नमेंट की, तो उस केस में क्या है, आपको जनरल कैटेगरी स्लीपर AC 1 टायर 2 टायर 3 टायर आपको मिलती है। अकॉर्डिंगली आपका फेयर होता है। जनरल के डब्बे में आपके नो फेयर इज देयर, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। सो जिन लोग ज़्यादा गरीब लोग हैं, दे वॉन्ट टू ट्रेवल, तो
वो जनरल में विदाउट दिस योर रेल फेयर दिए बिना वो जा सकते हैं। जो स्लीपर है, स्लीपर में कम रेट होता है, स्लीपर क्लास में। और आगे एसी टायर्स रहते हैं, 1, 2 एंड 3। 1 AC 1 टायर सबसे ज़्यादा, 2 टायर उससे कम, 3 टायर उससे कम, मतलब अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटी गिवन बाय द रेलवेज द फेयर इज चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर को जैसा चाहिए उस हिसाब से रेलवेज चार्ज करेगी। नेक्स्ट कम यूटिलिटी सर्विसेज। यूटिलिटी सर्विसेज में आपके आ जाती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। ये तो एक यूटिलिटी हर एक को चाहिए चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर देगी तो इस केस में तो लोग ज़्यादा, किसी से ज़्यादा पैसे लेंगे, किसी से कम पैसे लेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कुछ गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी हुई है, मोनोपोली है। ये आपको मोनोपोली का मेन मैंने आइडिया दिया कि मोनोपोली होती क्या है। अब हम आगे आगे इसका चलते हैं। डिमांड कर्व देखते हैं। ये देखो इसका डिमांड कर्व ये इस पे बना हुआ है, प्राइस इज गिवन ऑन वाई एक्सेस एंड क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सेस। डिमांड कर्व में इसका ये है, जो भी फर्म होगी मोनोपोली में उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा। हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है ना, ये आपने आगे भी पढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस में और क्वांटिटी में। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये जो डिमांड का इस पे ऐसे अप्लाई होता है, और इसमें यही रूल अप्लाई चलता है, एक्सेप्शन नहीं है डिमांड की। ये आपका नॉर्मल है कि जैसे जैसे प्राइस ज़्यादा होगा वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी कम होगी। जो मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोलिस्ट की मर्जी, ही इज अ प्राइस मेकर, ही कैन सेट एनी वे प्राइस। वो यहाँ सेट करे, यहाँ करे, यहाँ करे, यहाँ करे, जितना मर्जी करे, पर एक चीज उसको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे जैसे वो प्राइस ज्यादा लेगा वैसे वैसे उसकी सेल कम होगी। ये देखो जब प्राइस OP1 था तो क्वांटिटी उसकी ज्यादा सेल हो रही थी, OQ1 थी, और जब उसने प्राइस P1 से P पे ले आया तो इस केस में उसकी डिमांड जो है वो कम हो गई, OQ1 से OQP आ गई, ठीक है। सो दीज थिंग्स हैपन। तो ये चीज उसको मोनोपोलिस्ट को ध्यान रखनी पड़ेगी। ये ऐसा मोनोपोलिस्ट का डिमांड कब होता है। आगे चलते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आ जाता है कि मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर होता क्यों है, व्हाई डज इट अराइज, क्यों आया, क्या जरूरत थी मोनोपोलिस्टिक मार्केट, सॉरी मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर को अराइज होने की। तो बहुत सारे इसके रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इज गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल होता है उसी कारण आती है कि जैसे कुछ चीज़ों का गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है कि ये जो पर्टिकुलर कॉमोडिटी है वो सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर बनाएगा, ठीक है। तो जब वो एक ही प्रोड्यूसर के पको उसने एक लाइसेंस दे दिया, एक ही मैन्युफैक्चरर है उसका, तो ऑब्वियसली उसकी मोनोपोली अपने आप अराइज होगी। उसने गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पूरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, उसने डिसाइड कर लिया है कि हाँ उसने इतनी गुड्स बनानी है या सर्विसेज, वॉट एवर मतलब जिस भी वो उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी में वो है, वो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वॉट एवर ही इज प्रोवाइडिंग, वो गवर्नमेंट ने देख लिया कि वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गई। जैसे अभी आपको मैंने एग्जाम्पल दिया रेलवेज की, रेलवे सर्विस प्रोवाइड कर रही है, गुड्स नहीं जनरेट कर रही ना, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और उसने गवर्नमेंट ने सोच लिया पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो एक ही जने को लाइसेंस में एक मिलेगा और वही उसको सोल मैन्युफैक्चरर हो जाएगा। तो उसके कारण क्या हो गया कि रेलवे जो हमारी वो मोनोपोली में आ गई। नेक्स्ट कम्स पेटेंट राइट। अब पेटेंट राइट क्या होता है, किसी को पता है पेटेंट राइट क्या होता है? आप देखो जब आप गुड्स खरीदते हो, कोई भी चीज लेते हो, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स लो या कुछ भी लो, उसके ऊपर लिखा होता है कॉपीराइट एंड पेटेंट्स। तो पेटेंट्स बेसिकली क्या होता है, पेटेंट्स एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन है कि जो इसका जो क्रिएटर है, जिसने उसको शुरू किया है काम, जो उसको जिसने उसको इनोवेट किया है, उसको शेप दिया है प्रोडक्ट को, उस टेक्नोलॉजी को उसको एग्जिस्टेंस में लेके आए हैं, तो उसको एक जो है एक राइट मिलता है, उसको हम उसकी उसको हम एक रिकॉग्निशन देते हैं, उसको पेटेंट राइट मिलता है। तो वो जो पेटेंट राइट होता है, किसी और को कोई हक नहीं कि उसको कॉपी करे या कुछ करे। ये आप देखो यहाँ पे लिखा भी होता है फीचर्स में कि कॉपी राइट नहीं है, मतलब किसी को पेटेंट राइट है इसके ऊपर, कोई आप कॉपी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते,
यू हैव टू गिव कि हाँ ये एक ही बंदा जो है इसका इंडिविजुअल यूजर है, आप उससे परमिशन लेके आप आगे उसको यूज कर सकते हो। सो इस केस में जो कुछ न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, नई प्रोडक्ट्स जो न्यू इनोवेशन जो भी आ रही है, वो सारी कई बार जो आती हैं उनके ऊपर पेटेंट राइट होता है। वो पेटेंट राइट एक ही मैन्युफैक्चरर का होगा तो ऑब्वियसली उसकी मोनोपोली हो जाएगी, ठीक है? मोनोपोली स्ट्रक्चर इसलिए अराइज हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स कार्टल्स। अब कार्टल्स क्या होता है? कार्टल्स बेसिकली बेटक वो कहता है कि जो फर्म्स हैं, काफी मतलब फर्म्स हैं एक जैसी जो काम बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या गुड्स और सर्विसेज जो सप्लाई कर रहे हैं एक जैसी, वो काफी इकट्ठे मिलके यूनानिमस वो एक डिसीजन ले लेते हैं कि हमने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ये हमारी प्राइसिंग होगी और ये हमारी आउटपुट पॉलिसी होगी कि हमने इतने ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। वो इसलिए करते हैं ताकि उनके आपस में कंपटीशन कम हो। तो कंपटीशन कम होने के कारण उसके बीच में क्या होगा, उनकी मोनोपोली कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लो वो 5 फर्म्स हैं या 10 फर्म्स हैं, अगर वो आपस में अपने ग्रुप बना लेते हैं और वो अपना डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ उन लोगों ने ये काम जो है उनके इतनी प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी बनानी है और इतना प्राइस रखना है, सब कुछ वो डिसाइड कर लेते हैं, एक यूनैनिमस वो एक ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप को वो मोनोपोली स्ट्रक्चर, वो ग्रुप का इमर्ज हो जाता है जिसको हम कार्टल्स बोलते हैं, ठीक है? उस ग्रुप का वो ग्रुप ने कार्टल्स बनाए। तो वो जितने 5 फर्म्स या 10 फर्म्स जितनी भी फर्म्स थी, उन फर्म्स ने क्या किया, उन फर्म्स ने आपस में एक मोनोपोली स्ट्रक्चर उनका अराइज हो गया, ठीक है? समझ आया? देन कम्स नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं अब हम, ओनरशिप ऑफ की रिसोर्सेस। ओनरशिप ऑफ की रिसोर्सेस के कारण भी हमारा मोनोपोली स्ट्रक्चर अराइज हो जाता है। इसकी जैसे बहुत अच्छी एग्जाम्पल है एक 20th सेंचुरी मीन्स लास्ट सेंचुरी जो निकल चुके, हो सकता है मैनी ऑफ यू आपका बर्थ भी नहीं हुआ होगा, आप तकरीबन स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो प्लस वन प्लस टू के होंगे वो 21st सेंचुरी के होंगे। अगर मतलब 20th सेंचुरी, हम पिछली सेंचुरी पिछले मतलब 1900 की डिकेड में जाएं, 1900s में जाएं, उस सेंचुरी में देखो जब डायमंड मार्केट में एक मोनोपोली अपने आप आ गई थी, एक डीबीएस कंपनी थी, उस कंपनी ने पूरी वर्ल्ड की डायमंड माइंस के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर लिया था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो जो उसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो सारी डायमंड माइंस के ऊपर, वर्ल्ड की सारी डायमंड माइंस के ऊपर जो उसे कंट्रोल किया था, उसके कारण क्या हुआ, उसने एक नेचुरल मोनोपोली उसकी बन गई थी, ठीक है? अगर आप किसी की रिसोर्स के ऊपर अगर आप उसकी ओनरशिप लेते हो तो, और एक ही बंदे के पास है सारा एक्वायर कर लिया, तो उसकी अपना मोनोपोली स्ट्रक्चर अराइज हो जाएगा। नाउ कम्स नेक्स्ट, लास्ट लास्ट आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, या हम नेचुरल मोनोपोलीज भी इसको बोलते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या कहता है, मोनोपोली अराइजेस विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये अपने आप बन जाती हैं, नेचुरली बन जाती हैं, इसमें गवर्नमेंट कोई रोल नहीं प्ले करती, गवर्नमेंट की कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होती है। ये उस केस में हो जाता है जहां पे आपकी एक सिंगल फर्म है जो गुड्स और सर्विसेज उस अपने कंपिटिटर से अच्छे रेट पे, कम रेट पे मीन्स वी कैन प्रोवाइड। अगर मान लो 2 और 3 4 फर्म्स आर देयर एंड दे आर सप्लाइंग द सेम गुड और द सेम सर्विस, बट ओनली वन कंपनी इज देयर और वन फर्म इज देयर हु इज सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज एट द लोएस्ट प्राइस, कम रेट पे वो सप्लाई करे, तो अपने आप उस इंडस्ट्री में वो नेचुरल मोनोपोली बन जाएगी। लास्ट इज रेलवेज यूटिलिटी सर्विसेज, अभी मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि रेलवे जो डिटेल सर्विसेज में आपकी इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आ जाएगी। तो वो है कि आप किसी और को नहीं दे सकते, कुछ गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखे, और यूटिलिटी सर्विसेज में जैसे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है तो आपको उतने नए, हर कंपनी अपने सीवरेज कनेक्शन देगी, अपने पाइपलाइन डालेगी, इतना इतना एक्सपेंडिचर करेगी, उस एक्सपेंडिचर को कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मोनोपोली दी जाती है, नेशनल मोनोपोली अपने आप अराइज हो जाती है, जो सिर्फ एक ही फर्म को या ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो।
इफ एनी प्रॉब्लम और एनी क्वायरी अराइजेज प्लीज यू आर फ्री टू गिव इट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.